आइसक्रीम पार्लर एंड बेकर्स, एगलेस केक्स आर अवेलेबल हियर नियर टू टाउन पुलिस स्टेशन महबूब नगर एम ए बासठ जेवलर्स एंड वेडिंग कलेक्शन अपोजिट सिंडिकेट बैंक न्यू टाउन महबूब नगर दरवाजा द सागवान पॉइंट रेडीमेड सागवान मेन डोर विंडोज एंड डोर फ्रेम्स, बिसाइड हिमालय रेस्टोरेंट श्रीनिवास कॉलोनी महबूब नगर असलामिक नाजरीन मेट्रो न्यूज अपडेट में आपका इस्ते हैं आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर आरोप शेर महबूब नगर में रात देर गए अजमत नामी मुतवतीन गोल मस्जिद जो पेशे से सब्जी फरोश थे जो अपनी दुकान से घर वापस हो रहे थे न्यू टाउन इलाके में सड़क पर मिट्टी की वजह से गाड़ी स्लिप होकर गिर पड़े और सर पर शदी चोट पहुंची मुकामी नौजवानों ने फौरी इन्हें सरकारी दवाखाना मुंतकिल किए इब्तही तबी इमद के बाद डॉक्टर्स के मशवरे पर इन्हें हैदराबाद गांधी हॉस्पिटल मुंतकल किया गया इनकी माशी हालत कमजोर होने की वजह से मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानब से बीस हजार रूपए की इमदाद भी दी गई और मजीद इमदाद करने का इन्होंने इनके अफराद खानदान को तय खुन दिया है और आवाम से भी जितना हो सके इनकी मदद करने की अपील की है जो कोई इमदाद करना चाह रहे हैं वो इस नंबर आरोप रहा पैदा करे सेवन नाइन एट नाइन सेवन नाइन फाइव सेवन वन जीरो पर या नाइन डबल एट फाइव सेवन थ्री सेवन फाइव सेवन एट पर हमारी नुमाइंदे अजहर खान ने वाकई पर पहुंचकर कर तफसलात हासिल किए देखिए ये रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो न्यूज अपडेट्स असलम मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान मैं इस वक्त तो मौजूद हूँ शहर महबूब नगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जहाँ पर अभी कुछ देर पहले अभी इस वक्त रात के एक बज रहे अभी कुछ देर पहले जो है एक खौफनाक सड़क हादसा न्यूटन में रूबरू लक्ष्मी विलास बैंक के पास पेश आया जहाँ पर एक बाइक जो है स्किड होकर जो है वहाँ पर हाईवे के रोड पर जो है कुछ मट्टी थी साइड वो उस वह स्किड होकर जो है एक सड़क हादसा पेश आया उसी मुकाम पर जो है कुछ नौजवान वहाँ पर मौजूद थे वो फौरी जो है वो लोग को जो है वो शख्स को जो है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किए वो अजमत जिनका नाम है और वो मुतविन गोल मस्जिद के हैं और यहाँ पर फौरी तौर पर यहाँ पर आकर जो है इनका इलाज के लिए यहाँ पर नौजवान लेकर यहाँ पर आए इस टीम में जो है मुख्तलफ तंजीमों के जो है ज़िम्मेदार हजरात भी यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर जितना ट्रीटमेंट हो सका वो लोग सामने आकर वो ट्रीटमेंट तो कराए लेकिन यहाँ पर न्यूरो के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से उनको गांधी हॉस्पिटल को मुंतिल किए आइए मजीद तफ़ीत हम यहाँ के नौजवानों से ही बात करते हैं बोलिए क्या हुआ हज़र बसमी यहाँ पर रात में ग्यारह बजे के आसपास आ, न्यूटन स्कूल के करीब में जो वफा कॉम्प्लेक्स की ज़मीन है वहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक के बाजू में एक शख्स को हम लोगों ने नीचे गिरे हुए देखा वो बड़े ही सख्त ज़ख़्मी थे उनकी गाड़ी पूरी पूरा टूट टूट गई थी आ, उनको उनकी हालत देखने के बाद सर पर उनकी चोट थी समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने क्या है बहरहाल बिला मजह मिलत देखते हुए एक ज़ख्मी हालत की है बोल के उनकी मदद करने के लिए उनकी कोशिश करें उनसे बात करें उनसे बात करने के बाद तो उन्होंने उनका अपना नाम अजमत बोल के बताए उनका एड्रेस पूछने पर उन्होंने नाना की दुकान के पास मीना गडा किसके पास रहते बोल के बोले उसके बाद हमने वहाँ पर उनके वहां वो जो हबीब नगर एरिया के नौजवानों की इतला करे वो नौजवान जो है जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए हम लोग अभी उनको एक एम्बुलेंस बुला के उसमें एम्बुलेंस में ले लेके यहाँ पर आए इतला मिलते ही हमारे मजलिस सदुलसमिन के काउंसलर जना महबूब साहब और हमारे बैतल खैर फाउंडेशन के भाई और अलताफ़ भाई गुटे के नौजवान सब मिल के यहाँ पर उनकी मदद करे वो वो पेशेंट जो है काफ़ी ख़स्ता हालत में है बहुत गरीबी जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उन्होंने यहाँ पर तरकारी की दुकान पे डेली वेजेस पे काम हैं जिसके पास कोई पैसों की माली इमदाद नहीं है आगे के इलाज के लिए उसके ये देखते हुए यहाँ पर अल्ताफ़ भैया और काफ़ी नौजवानों की मदद से अहमदिल्ला अब उनको बीस हज़ार रुपये की इमदाद करें यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा था इसलिए उनको एम्बुलेंस के ज़रिए है, हैदराबाद ऊस्मानी हॉस्पिटल भिजाया गया है गांधी हॉस्पिटल भिजाया गया है अब मैं अब यहाँ पर आज के हिसाब से तो उनके लिए इमदाद तो पहुँच गई कल के लिए ट्रीटमेंट आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको काफ़ी अभी पैसों की ज़रूरत पड़ती होंगी मैं इसलिए यहाँ पर महबूब नगर के नौजवानों से जो भी साहब इस्तेदाद जो पैसे दे सकते हैं उनसे प्लीज़ अपील करता हूँ दर्द मंदना अपील करता हूँ के उनके लिए माली इमदाद करें उनको इमदाद करने के लिए उनके पास तो फ़िल वक्त देखा गया तो कोई बैंक अकाउंट या गूगल पे नहीं था मैं उनको इमदाद करने के लिए आप अल्ताफ़ भैया बैतुल खर फाउंडेशन के हमारे तखीबे से रबता करके उनको मदद करने की कोशिश करें जो अब आने वाला रमज़ान का महीना है अला को राज़ी करने का इसमें हमारे से जो जो भी पैसे मदद हो सकती है अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैसे निकालें और हमारे भाई है उनको मदद करना ज़रूरी है उनकी जान बच जा सकती क्योंकि उनके बिल्कुल बहुत छोटे छोटे एक बच्चा ग्यारह तेरह साल का है वो बच्चा खुद एक तरकारी की दुकान पर काम करता वो बच्चा भी डेली ये लोग जो रोज़ कमाते अगर वो कमाए तो इनका घर चलता ये उनका डिपेंडेंट पूरे फैमिली उनके फादर के ऊपर है इसलिए उनको बचाना हमारा जरूरी है इसके लिए मैं अपील करता हूं तमाम से जो जो भी हो सका उनसे मदद करने की कोशिश करें इन श्ला का लोग बच्चे के अगर अकाउंट है तो उस पर गूगल पे चालू करेंगे जब तक अगर मदद करने की कोशिश करना है तो मदद करना चाह रहे तो अलताफे से या हमारे बैतुलखर फाउंडेशन के तकीबे से राबता करके उनकी मदद करने की कोशिश करें सलाम्कमल वर्काता मैं रिस्पांस तो अच्छा मिला वो लोग भी क्या करेंगे हम लोग जब लेके आए तो हालत बहुत ख़राब थी बहुत क्रिटिकल था मसला पूरा सर फट गया था और काफ़ी खून भी बह गया था उनका तो ये लोग जो ट्रीटमेंट करना था इस रात के वक्त में जो करना था वो लोग करे करने के बाद मैं फ़ौरी स्कैनिंग कराए स्कैनिंग के बाद में रिपोर्ट्स आए रिपोर्ट्स में ये बोला गया कि भाई ब्लड क्लाउट हो गया दिमाग में और कुछ डैमेज भी हुआ बोले जिसकी वजह से गांधी हॉस्पिटल रेफ़र करने से फ़ौरी जो है जितने भी नौजवान हैं फ़ोन करके जो है ना एम्बुलेंस से जो है ना भेज भेज दिए गांधी हॉस्पिटल चले भी गए जिससे जिससे जो हो सका बीस uh, हज़ार के करीब में जो अमाउंट हो सका दे भेजे हैं मेरी गुजारिश है जो भी ये वीडियो देखेंगे वो सब जो है ना अपने एक तो मियाँ भाई भी हैं मुसलमान भी हैं उसके अलावा जो है बहुत गरीब मामला है उनके पास मैं समझता हूँ कुछ भी पैसे नहीं थे वो लोग जब आए हालत तो उनके हालत से ही मालूम हो रहा था तो गुजारिश है जो भी ये वीडियो देखेंगे जो जिससे हो सका उनसे जो मदद कर सकते करें चाहे वो जकवात की शक्ल में हो चाहे वो जो है ना फितरे की शक्ल में हो और कोई शक्ल हो तो उसके बाद से हो सकता हमारी थोड़ी थोड़ी इमदाद की वजह से गरीब की जान बच जाए छोटे मासूम बच्चे हैं दो और उनकी अहलिया भी जो है ना बहुत खस्ता हालत में थे आप सबसे गुजारिश है जो हो सका एक हमारे तखी भाई का नंबर आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर नंबर भी बताएंगा मेरा भी नंबर रहेगा तो आप हमसे रब्त करके जिसके अकाउंट में डालना है जो भी फ़ोन करेंगे उनका अकाउंट नंबर देंगे हम उनको उनके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं जो इन शाला अल्लाह की इज़ाद से उम्मीद है बचाने वाले अल्लाह हैं हमसे जो कोशिश हो सके हम करें हैं सारे नौजवान मिलकर अल्लाह बचाएंगा इन और मैं जानता हूँ जहाँ तक के उनसे बात किए तो उन अपना नाम उन्होंने खुद बताए बच्चे का नाम बताए क्या करते वो भी उन्होंने ही बोले तो ये सब चीज़ों को देख के हम समझ रहे हैं इन अल्लाह जो है ना उनको जो है ना जान बख्शेंगे और वो जो है ना सही साल जो है ना वापस लौटेंगे इन शामक र्ल वक् अभी जैसे कि आप लोग सुने एक हमारे भाई जिनका नाम अजमत है जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ तो ये अजमत भाई हैं उनका रोड में रोड एक्सीडेंट हुआ इनका तो अलहमदिल्ला वहाँ पर साह साहब गुट्टा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अलताफ़ भाई और पटेल साहब वहाँ पर पहुँचे और अलहमद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर आए और हम लोग यहाँ पर पहले से एक पेशेंट को एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ था हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे उनको लेकर आए थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था बहरहाल उस बंदे का इंतकाल हो गया तो इसी जमन में हमारे अलताफ़ भाई और पटेल साहब अजमत भाई जो है जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको लेकर आए और यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया और इस बात को जैसे वायरल हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम तंजीमें हमारे जिनमें महबूब भाई, भाई और हमारे झांगिर भाई टी आर एस और मुस्लिम निका ये सारी तंजीमें के लोग यहाँ पर आके जुड़े और मदद करते हैं जिस अतबार से हो मदद करे और अलहमदिल्ला सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शाहसाब गुत्ता गुट्टा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अलताफ़ भाई और हमारे पटेल साहब की तरफ से बहुत कम वक्त में मैं समझता हूँ कि पंद्रह से बीस मिनट में खरीबन बीस हज़ार रुपये जमा करके इनकी फैमिली को दिए और यहाँ से गांधी हॉस्पिटल को अलहमदिल्ला भेजें ये अब आपसे आगे बताना मेरे भाइयों मकसद ये है एक दर्द मंदाना अपील हम सब आपसे कर रहे हैं कि इनको शायद माली एतबार से हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेंगी तो बरहाल आप लोग आगे बढ़कर जैसे कि इससे पहले आपसे अपील करें हैं इसी तरह से हम फिर आपसे अपील करते हैं कि आप लोग जितना भी आपसे हो सके आप लोग इस बंदे की इस भाई की अज़मत जो जिसका नाम है जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं जो माली एतबार से बहुत कमज़ोर हैं आप लोग इनकी मदद करिए बस हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग फाइनेंशियली माली एतबार से इनकी मदद करिए अगर आप लोग इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बेतल खैर फ़ाउंडेशन मेरे नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं और इन और इससे पहले आप लोग अल्ताफ भाई जो हैं हम इंशाल्लाह उनका भी नंबर आपको देंगे आप उस नंबर पे भी कॉल करके तफसील ले सकते हैं और जो भी डोनेट करना चाह रहे हैं आप लोग इन नंबर पर कॉल करके आप लोग डोनेट कर सकते हैं मेरे भाईयों अल्लाह के वास्त से अल्लाह के वास्ते इस भाई की मदद करिए आपका रुपया दो रुपये जो भी है इंशाल्लाह किसी की जान बचाने में काम आएगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद महबूब नगर अभी कौंसलर आज आठ तारीख के दिन रात में जो है ना न्यूटन जो खबरस्तान का चौरस्था है वहाँ पे एक एक्टिवा एक बाइक से अज, अजमत नामी जो हबीब नगर के रहने वाले हैं उन्हें जो है ना पहले हैदराबाद में रहा करते थे अपने एरिया में आकर तकरीबन एक तीन चार साल हो रहा वो बेचारे जो है ना डेली वजेस पर काम कर लेते डेली दो सौ तीन सौ रुपये जो मजदूरी रहती है उस पर काम करके जीने वाले उनका आज सड़क हादसे में एक मेरे को इतला जैसे अजहर खान मेट्रो न्यूज़ के जो फ़ोन करे भाई ऐसा एक्सीडेंट हुआ रहा है कि मेरे को फ़ोन करते मैं हॉस्पिटल को आया आज तो तकरीबन महबूबनर के जो हार्ड सोशल वर्कर्स है वो यहाँ पे सब मौजूद थे तो इसी समय में मैं भी आया मैं मेरे को इतना मैं आने के बाद जो ना डॉक्टर से मुलाकात करा डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद स्कैनिंग करने के बाद कर। डॉक्टर तो पूछा हमें कंडीशन क्या है तो डॉक्टर्स बोले कि ब्रेन इंजरी में जो है ना ब्रेन इंजरी हुई है इनको जो है ना इमीडिएटली हैदराबाद लेके आना पड़ता हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं महबूब करके तमाम जो सियासी जो और सोशल वर्कर जो हार्ड है उन लोगों का जो है ना इमीडिएटली एक एम्बुलेंस अरेंज करे अलहमद इसी जमन में एक अल्ताफ़ जो गुटे के सोशल वर्कर है उन्होंने जो है ना एक बीस हज़ार रुपये की जो है ना नकद रकम जो है ना अरेंज करके उन लोगों को अलमदिल्ला सही सलामत हैदराबाद तक जाने के लिए इंतज़ाम किया और उन लोग सोशल वर्कर से ने एक वादा भी किया अलहमदिल्ला मैं भी ये कह रहा हूँ अजमत साहब के लिए जो उनका जो ब्रेन इंजरी हुआ है उनके लिए हम जो मदद कर सकते हैं अलहमदिल्ला करेंगे उनकी जो फैमिली है ना बहुत गरीब फैमिली है उनके एक छोटी लड़की है एक बेटा है लड़का भी जो है ना डेली चूल्हा जलने के लिए जो है ना कमाई के लिए वो बच्चा भी जाता है तो हम महबूब नगर के आवाम से यही अपील करते हैं कि हालात ऐसे गुजर रहे हैं ऐसे हालात में जो है ना हमको चाहिए कि कोई गरीब परेशान है तो ऐसे वक्त में मदद करना बहुत बड़ी बात है तो इसी जिमन में जो है ना महबूब नगर के दानश्वरों से और नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस गरीब के लिए अजमत के ग़रीब के लिए जो जो मदद हो सकती है मदद करिए अलहमदिल्ला शुक्रिया अल्लाम ये सुन रहे थे आप यहाँ पर मुख्तलि तनजीमों के ज़िम्मेदारों से कि लोगों ने यहाँ पर एक फ़ंड रेस करके जो है वो पेशेंट को जो है गवर्नमेंट गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किए और मैं यहाँ के अहदेदारों से अपील करना चाह रहा हूँ कि इस सड़क पर जो है कोई साइन बोर्ड्स नहीं है साइन बोर्ड्स नहीं होने की वजह से जो हाई व्हीकल्स को भी जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है कि वो किस तरफ मोड़े क्योंकि शहर महबूब नगर के रोडों की जो है हालत अभी चेंज हो चुकी है तो यहाँ पर जो बाहर से दूसरे स्टेट से जो ड्राइवर्स आते हैं हाईवेकिल्स के वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किधर जाए बोलकर और इस रोड पर भी जो है थोड़े साइडों में जो है छोटी थोड़ी थोड़ी सी मट्ठी ताली हुई रह रही वहाँ पर भी कोई तरह के साइन बोर्ड्स नहीं है जिसकी जिसकी वजह से जो है ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं मैं अहदेदारों से अपील करना चाह रहा हूँ कि इस पर जो है ख़ास नज़र रखें और यहाँ पर इस नौजवानों का जो है जितनी भी तारीफ करो तो चाहे वो कम है क्योंकि ऐसे मोमेंट पे जो है वो लोग सामने आकर उनकी इस तरीके से मदद करे हैत में जो है कैच दे जो है हैदराबाद को मुंतिल किए अभी यहाँ पर आप जो नौजवानों से सुन रहे थे कि वो काबिल तारीफ़ है इनकी जो बातें अभी सुने हैं आप उस पर आप भी लोग भी जो है उस पर तोज दीजिए जो भी आपसे हो सकता है इन जिम्मेदार हजरात को जो है अपने इमदाद करें और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल कैमरा पर्सन रिज़वान के साथ मज़र खान मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स महबूब नगर नाजरीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशायदा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट डब्ल्यू पर भी मुशायदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स